Hey guys, what's up? Welcome back to Unscramble. So finally it's here, tutorial video of square one, and I'm very happy कि मैं ये video आपके साथ share कर रही हूँ क्योंकि इसके लिए बहुत सारे request आते हैं. तो जैसा कि मैं आप सबकी request मानती हूँ और videos को आपके साथ share करती हूँ, तो अब मेरी आपसे एक request है. Let's have a target कि इस video पे 24 घंटे में we should have 300 likes. What do you say? So don't forget to hit the like button. And now, without any further ado, let's get started. Subscribe करें and bell icon press करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. So इस क्यूब को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3x3 से थोड़ा डिफरेंट है, बट डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है. तो प्लीज़ ये चीज़ आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है. इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ये तीन लेयर्स हैं और जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो भी एक 3x3 क्यूब जैसे ही हैं. वाइट के पीछे येलो है, ऑरेंज के पीछे रेड है, ग्रीन के पीछे ब्लू है. अब जो पहला डिफरेंस आता है रूबिक्स क्यूब से इसमें, वो है पीसेस का. इसमें कोई सेंटर पीस नहीं है और जो एजेस हैं वो आप ये वाली जो एजेस है ना, ये पतली वाली ये एज पीस है और ये बड़ा वाला ये कॉर्नर पीस है, ठीक है. तो टॉप लेयर में चार कॉर्नर्स हैं, चार एजेस हैं. बॉटम लेयर में चार कॉर्नर्स हैं एंड चार एजेस हैं. इसकी जो मिडिल लेयर है इसमें ये सिर्फ दो बड़े बड़े साइज़ के ये दो पीसेज हैं. तो जब हम इस क्यूब को सॉल्व कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में हम मिडिल लेयर पे ऐसा कोई ध्यान नहीं देते, सिर्फ होल्डिंग पोजीशन इसी से आइडेंटिफाई होती है. उसके अलावा बाद में जब क्यूब का मोस्ट ऑफ द पार्ट सॉल्व हो जाता है तो लास्ट में हम इस मिडिल लेयर को सॉल्व करते हैं, ठीक है. जो मेजर डिफरेंस है 3x3 में एंड स्क्वायर वन में वो है नोटेशंस का. 3x3 में हम अल्फाबेट्स के नोटेशंस यूज़ करते हैं, यानी कि राइट लेयर, एफ लेयर, बैक लेयर, यू लेयर, डाउन लेयर. पर यहाँ पे हम नंबर्स में इन पीसेस को पहचानते हैं. तो यहाँ पे हम लेयर्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, हम पीसेस से सारी नोटेशंस लगाते हैं. तो अब यहाँ पे ये जो टॉप लेयर में एंड बॉटम लेयर में ये जो एजेस एंड कॉर्नर्स हैं इनमें एक एक नंबर लगा हुआ है. सो बेसिकली ये एक नंबर का पीस है, ठीक है, और ये दो नंबर का पीस है. तो अगर हम इस लेयर को इस तरह से मूव करेंगे तो ये कहलाएगा कि ये देखें, ये एक दो ये पीस इधर आ गया. ये इस मतलब ये सॉल्व सिचुएशन है ना, और इसमें ये मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, दिस इज़ कॉल्ड स्लैश, ठीक है. तो अब यहाँ पे इस पीस को जब हम आगे बढ़ाएंगे इसकी जगह से तो ये हमारे दो नंबर मूव हो गए, ठीक है. अब इस ये आगे बढ़ेगा तो तीन, ये जो लाइन जा रही है ना इसी से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है. देन अब ये आगे बढ़ा तो चार पाँच, देन छः, अब सात आठ, देन नौ, दस ग्यारह एंड ये बारह. बारह मूव में हमारी पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई. सो बेसिकली दो चार छः आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है. तो इस तरह से इन पीसेस को ये नंबर दिए हैं. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्लैश है, इसी से ही हम सारी नोटेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है. अब अगर हम इसके एल्गोरिदम को पढ़ना सीखें तो ये जो आपको स्क्रीन पे एल्गोरिदम दिख रहा है, अब इसमें आप देखेंगे कि एक स्लैश लगा हुआ है आगे, फिर नंबर, कॉमा, दूसरा नंबर एंड देन अगेन स्लैश. तो ये जो दो दो नंबर्स एक साथ होते हैं ना, इसमें जो पहला नंबर होता है वो टॉप लेयर को बताता है कि टॉप लेयर में मूव करना है, और कॉमा के बाद जो दूसरा नंबर होता है वो नीचे वाले लेयर के मूव बताता है, ठीक है. तो अब मान लीजिए कि ये स्लैश लिखा हुआ है, और हाँ ये जो स्लैश है ये कभी आप मिस मत करना, एल्गोरिदम से पहले हो, बाद में हो, बीच में हो, जहाँ पे भी हो. बेसिकली ये स्लैश ही बताता है कि कहाँ पे ये ऊपर और नीचे वाले जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो रहे हैं और फिर नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट हो रही है. सो बेसिकली जैसे अभी ये स्लैश है तो पहले हम ये स्लैश लगाएंगे यहाँ पे. अब नेक्स्ट है सिक्स, तो पहला सिक्स हो गया. टॉप लेयर में हमें छः जो पीसेज हैं मतलब छः नंबर्स को मूव करना है, और इसके आगे कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब क्लॉकवाइज. और नेक्स्ट में आपको दिख रहा होगा कि माइनस का निशान है, दैट मीन्स नेगेटिव, तो वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. सो ये जो एल्गोरिदम है ये बेसिकली फेस फ्लिपिंग एल्गोरिदम है, इसमें हमारे ये दोनों फेसेस जो हैं ये फ्लिप हो जाएंगे, ठीक है. तो अब पहला है स्लैश, देन सिक्स विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. और अब कॉमा के बाद जो दूसरा नंबर है वो नीचे वाली लेयर के बारे में बोल रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमें ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है. वही डाउन लेयर जैसे क्लॉकवाइज मूव करते हैं उसी तरह से करेंगे, और अब फिर से स्लैश है ना. तो ये स्लैश हुआ, अब आप अपने ये लेयर्स को अलाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये नीचे वाला फेस ऊपर आ गया और ऊपर वाला फेस नीचे चला गया. अब इसी तरह से नेक्स्ट वाला पार्ट जो है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, तो फिर से स्लैश, ठीक है.
अब नेगेटिव 6, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कॉमा के बाद जो नंबर है वो भी नेगेटिव है, इसका मतलब नीचे वाली लेयर में भी नेगेटिव लगना है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड स्लैश. दैट्स इट, ये वापस हमारा ये सॉल्व हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो बहुत ध्यान देने वाली है वो है होल्डिंग पोजीशन. आपको पूरे टाइम इंश्योर करना है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये जो मिडिल लेयर के जो दो बड़े बड़े एच पीसेज हैं, इनमें एक ये छोटा पार्ट है और एक ये बड़ा पार्ट है. इस तरफ भी एक ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है. तो आपको इंश्योर करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये अंगूठे के नीचे आपका ये छोटा वाला पार्ट रहे. ठीक है, क्योंकि इस क्यूब को सॉल्व करने के जो भी एल्गोरिदम्स हैं ना वो इसी होल्डिंग पोजीशन में बने हुए हैं. एक आ सिचुएशन है जिसमें अगर आप इसको इस तरह से होल्ड करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, वरना मैक्सिमम टाइम्स आपको इसी तरह से होल्ड करना है. तो आप यही प्रेफर कीजिए कि आप इसी होल्डिंग पोजीशन में इस क्यूब को पकड़ें. ठीक है, अब अगर हम इस क्यूब को सॉल्व करने के स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, जब हम इस क्यूब को स्क्रैम्बल कर लेंगे तो ये वियर्ड शेप जो दिख रही है, अब इसमें ये जो 8 edges हैं टोटल, इन सबको हमें टॉप लेयर में एक साथ लगाना है इस तरह से. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप का पहला पार्ट ये है और सेकंड पार्ट में फर्स्ट स्टेप के हमें इस वियर्ड सी शेप को, ये जो दिख रही है इस क्यूब में, इसको पूरा एक प्रॉपर क्यूब शेप देना है इस तरह से. ठीक है, देन सेकंड स्टेप में हमें ये कॉर्नर्स को ओरिएंट करना है और थर्ड स्टेप में हमें फिर एजेस को ओरिएंट करना है. देन फोर्थ स्टेप में हम कॉर्नर्स को परम्यूट करेंगे एंड फिफ्थ स्टेप में और एजेस को परम्यूट करेंगे. देन लास्ट में जब कभी कभी हमारे क्यूब में पैरिटी आती है तो हम उस स्टेप में पैरिटी को समझेंगे एंड दैट्स इट, और फिर हमारी क्यूब सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी हाउ डू वी डू इट. सो अब हमारा पहला स्टेप जहाँ पे हमें 8 edges को टॉप में एक साथ लगाना है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया आपको, तो ये स्टेप काफ़ी इंट्यूटिव है. आप जितना इस क्यूब के साथ खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी एंड एफिशिएंटली आप ये स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं. स्पेशली फर्स्ट सिक्स एजेस बहुत आराम से लग जाती हैं. लास्ट के 2 edges को लगाने में कभी कभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो वो पार्ट में थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी. मिडिल लेयर का ये जो बड़ा वाला पीस है, इसका ये छोटा पार्ट हमें अपने लेफ्ट में रखना है और ये बीच में ये जो लाइन तरीके की जो डिवीजन बना हुआ है ये पूरा क्लियर होना चाहिए, ताकि हम इस लेयर को आराम से ऐसे मूव कर सकें. बाय चांस अगर ये एच पीस इधर बीच में आ गया जो कि इस लाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो हम लेयर्स का मूवमेंट आराम से नहीं कर सकते. ये इधर आ गया तो नहीं कर पाएंगे. सो वी हैव टू इंश्योर कि ये पूरा ऐसे लाइन जो है ये पूरी क्लियर रहे. ठीक है, तभी आप इस लेयर को इधर मूव करेंगे. अब ये 2 edges इधर लगे हुए हैं, ये दो दो के पैर यहाँ पे बने हुए हैं. ये बहुत ईजी सिचुएशन है. तो अब यहाँ पे पहले ये दोनों एजेस को हम यहाँ पे लाके इस तरह से कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, अब इसको हम साइड कर देंगे और फिर अब ये नीचे वाली जो 2 edges हैं इनको इस तरफ ले आएंगे, ताकि हम एक बार में ऊपर इनको ले जाके लगा सकें. ठीक है, तो अब हमने इसको यहाँ पे लाए, अब ये 2 edges इधर कनेक्ट हो गए. ठीक है, अब इसको इधर साइड कीजिए और अब ये दोनों एजेस जो हैं इनको ऊपर ले जाके लगा दीजिए. तो ये बहुत आराम से हमारी 8 की 8 edges इधर कनेक्ट हो गई. ठीक है, अब जब ये सिचुएशन आती है कि हमारे जो 6 edges हैं वो ऑलरेडी कनेक्ट हो गए हैं, बस 2 बचे हैं, तो वो डाउन लेयर में 2 situations में हो सकते हैं. पहला आपके सामने है कि दोनों एजेस आपस में साथ में लगे हुए हैं. इस सिचुएशन में हम इसको एल्गोरिदम से भी सॉल्व कर सकते हैं, इंट्यूटिवली भी कर सकते हैं. तो पहले मैं एल्गोरिदम लगा के बता देती हूँ और जब इंट्यूटिवली बताऊंगी तो सेकंड सिचुएशन सामने ऑलरेडी आ जाएगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे होल्डिंग पोजीशन जब ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों एजेस साथ में लगे हों, तो आप ये जो 6 edges टॉप लेयर में लगे हैं इसको लेफ्ट में रखिए और एक एज 12 o'clock पे रखिए, दूसरा एज 3 o'clock पे रखिए. ठीक है, और अब ये एल्गोरिदम लगाना है 2, 0/-3 and 4 1, 2, 3, 4/-2, 0/ दैट्स इट. अब इंट्यूटिवली सॉल्व करने में बेसिकली आपको कुछ नहीं करना होता. जब ऐसी सिचुएशन हो कि ये दोनों इधर नीचे लगे हों, तो इसी होल्डिंग पोजीशन में आप रखिए और इंश्योर कीजिए कि ये 2 pieces जो हैं ये ऐसे सामने आए. ठीक है, ताकि ये 2 edges ऐसे एक दूसरे के ऑपोजिट आए. ठीक है, अब आप एक बार इसको ऐसे रोटेट कीजिए. ठीक है, अब नेक्स्ट आपको ये वाला जो पैर इधर नीचे आया ना, इसको एकदम पीछे की तरफ कर देना है. ठीक है, और ये जो एजेस सामने आ गए इनको एक दूसरे के सामने यहाँ पे ऐसे लाके और इनको नीचे लेके आ जाना है. ठीक है, तो जब ये 6 pieces इधर कनेक्ट हो जाएंगे, अब ये नीचे जो 2 pieces पहुँचे हैं ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए. तो ये हमारी सेकेंड सिचुएशन होती है. तो जब आपकी टॉप में 6 edges लग जाती हैं, 2 बचते हैं, और तो जो दूसरी सिचुएशन है वो ये सिचुएशन है, जो कि बहुत आसान है. इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए ये ऐसे आया है या ऐसे आया है,
तो आपको बस इतना इंश्योर करना होता है कि ये इस वाली लेयर में आए, जिसे आप ये 6 पीसेस लेफ्ट में रखें और एक बार में इस लेयर को रोटेट करके इन दोनों को ऊपर टॉप लेयर में पहुंचा दें। दैट्स इट। अब एक सिचुएशन है ये, जहाँ पे ये दो दो के ये दो पेयर बने हुए हैं, 4 इधर ऑलरेडी लगे हुए हैं और नीचे वाली लेयर में ये चारों एजेस जो हैं वो अलग अलग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पहले हम ये दो एजेस टॉप लेयर में ले आते हैं बाई डूइंग अ स्लैश, ठीक है। अब ये दोनों पीसेस को नीचे इस लेयर में पहुँचा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको साइड करके, क्योंकि अब ये दो पेयर इधर बन गए, तो हम इनको इनके साथ अटैच कर देंगे इधर। और अब जब ये 6 एजेस हमारे लग गए, तो अब बाकी के जो दो बचे हैं वो लास्ट सिचुएशन, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, 12 और 3 o'clock पे रख के इसको साइड में मूव कीजिए, इसको ऊपर कीजिए, इसको नीचे कीजिए एंड अब इसको इधर ऐसे इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप दो एजेस को एक साथ लगा के पेयर बना लेंगे तो बहुत आसानी से आप ये स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं, और दो दो एजेस को एक साथ पेयर करना काफ़ी आसान है। तो अब जैसे ये एक सिचुएशन है जहाँ पे ये 4 एजेस लगे हुए हैं, नीचे ये दो एजेस साथ में लगे हुए हैं, ये दो अलग अलग हैं। अब इन दोनों एजेस को हमें इन चारों से कनेक्ट करना है, ऐसे जाएंगे तो ये सब ब्रेक हो रहा है। सो वी हैव टू इंश्योर कि हम इन्हें सही जगह पर प्लेस करें और इसको टॉप लेयर में भी इन चारों एजेस को सही जगह पर प्लेस करें। तो अब जैसे इसको साइड किया, ठीक है, और अब इन दोनों एजेस को इधर एकदम इसके नीचे लेके आएंगे, और अब जब हम इसको टॉप में लेके जाएंगे तो ये 6 के 6 एजेस कनेक्ट हो जाएंगे और ये नीचे फिर से वही सिचुएशन आ गई 12 और 3 o'clock वाली। एंड यहाँ से आप इसको उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप का ही सेकेंड पार्ट है कि हमें इसको एक क्यूब शेप में बनाना है। तो अभी ये नीचे सारे कॉर्नर पीसेज जस्ट लुक्स लाइक अ फ्लावर और इधर ये दो कॉर्नर पीसेज लगे, सो थोड़ी वियर्ड शेप है। अब हमें इसे क्यूब शेप बनाने के लिए होल्डिंग पोजिशन का ध्यान रखना है कि लेफ्ट में ये वाला पार्ट रहे, ठीक है, और ये जो 8 एजेस हैं इनमें से आधे एजेस यानी कि 4 एजेस राइट साइड में रहें इधर, और 4 ये इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है। और अब ये एल्गोरिदम लगाना है, स्लैश -2 -4 स्लैश -1 -2 स्लैश -3 -3 स्लैश। दैट्स इट, ये हमारी क्यूब शेप बन के तैयार। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टॉप एंड बॉटम लेयर को ओरिएंट करना। तो पहले कॉर्नर्स ओरिएंट करेंगे और फिर एजेस को ओरिएंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सारे व्हाइट पीसेस लगाऊंगी और नीचे सारे येलो, ठीक है। तो कॉर्नर्स को ओरिएंट करने का प्रोसेस जो है वो बहुत इंट्यूटिव है, एक दो सिचुएशंस हैं जो मैं आपको भी बता देती हूँ। तो पहली सिचुएशन हो गई कि 3 पीसेस जो हैं वो एक कलर के हैं और एक पीस अलग है, वही चीज़ नीचे वाली लेयर में भी है। तो इस सिचुएशन में आप ये जो अलग कलर का पीस है इसको लेफ्ट में, टॉप में, बैक में रखिए। इन द सेम वे ये जो अलग कलर का पीस है बॉटम लेयर में, इसको राइट में, बैक में, बॉटम में यहाँ पे रखिए एकदम ऑपोजिट। और अब आपको इस पीस को ऊपर लेके आना है, मतलब ये लेयर ऐसे घुमा के ऊपर लाना है। पर उससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, वो ये कि जब आप इसको अगर ऐसे नॉर्मली ले आएंगे ना, तो ये आपकी स्क्वायर शेप बिगड़ रही है, विच वी डोंट वॉन्ट। इसलिए हमें बस एक मूव करना है टॉप लेयर में, यानी कि इस पीस को, ये एच पीस को एक बार घुमा के इधर साइड में करना है। अब जब हम ये वाला पीस टॉप में लेके आएंगे इस तरह से, तो हमारी स्क्वायर शेप बरकरार रहेगी और हमारे ये दो पीसेस साथ में लग गए, ये दो पीसेस साथ में लग गए, इधर भी ये हो गया, है ना। तो अब ये हमारी दूसरी सिचुएशन हो गई। अब इस सिचुएशन में हमें बस ये वाइट वाले पीसेस टॉप में लेके आने, तो हम ये जो दो वाइट हैं इनको एक साइड में कर देते हैं। अब ये दो वाइट इधर लेके आने, तो इसको नीचे यहीं पे रखेंगे। बाई चांस अगर इधर होते तो हम पहले इसको इस साइड में लेके आते। अब हमें इन्हें टॉप में लेके आना है, तो फिर से हम वही बात ध्यान रखेंगे ये एज पीस को इधर हटाने की, ताकि हमारी ये स्क्वायर शेप ना बिगड़े। एंड दिस इज डन, ठीक है। एक तीसरी सिचुएशन हो सकती है ये, जहाँ पे ये दोनों पीसेस डायगनली ऑपोजिट आए। इस सिचुएशन में भी हमें बस एक एक पीसेस को कनेक्ट करना होता है। तो मतलब जैसे ये वाइट है तो मेरे को इसको यहाँ पे लाके लगाना है, सो आई जस्ट हैव टू इंश्योर कि ये इधर आ जाए। अब उसके बाद वही सिचुएशन आ गई पहली, कि एक पीस अलग कलर का बचा है, ये एक पीस अलग कलर का बचा है, सो वी जस्ट हैव टू डू द सेम थिंग जो अभी हमने किया थोड़ी देर पहले। दैट्स इट, डन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें एजेस को ओरिएंट करना है। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, इसमें हमें एक छोटा सा एल्गोरिदम याद करना है। अब ये एल्गोरिदम बेसिकली जो राइट में टॉप एज है उसको नीचे वाली ये जो एज है इससे एक्सचेंज कर देते हैं, है ना। तो अब जैसे ये दोनों वाइट येलो एजेस हैं जो कि अपनी सही जगह लगी हुई हैं, ये वाइट एज जो कि गलत जगह लगी हुई है, इसको हमें टॉप में लाना है। इन द सेम वे येलो को इधर जाना है। तो हम इन दोनों को एक दूसरे के नीचे ऐसे, ये राइट में टॉप में, ये
राइट में बॉटम में रखेंगे और अब ये एल्गोरिथम लगाएंगे। जो पहला वन है ना, दिस इज जस्ट फॉर दिस कि हमारी एज साइड में हो जाए, है ना। अब जीरो वन तो नीचे हमारा कोई मूवमेंट नहीं है, तो नाउ स्लैश। अब जीरो नेगेटिव थ्री, सो दैट वुड बी वन टू थ्री स्लैश, अगेन जीरो नेगेटिव थ्री, सो वन टू थ्री स्लैश, अब माइनस वन एंड माइनस वन स्लैश, देन वन एंड फोर, सो वन टू थ्री एंड फोर, नाउ स्लैश, जीरो वन टू एंड थ्री स्लैश, एंड दिस इज डन। ठीक है, ये दोनों एजेस आपस में एक्सचेंज हो गए। अब नेक्स्ट एज ले आइए यहाँ पे, अब ये वाली इधर, ये दोनों फिर से आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो सेम चीज, वन स्लैश देन नेगेटिव थ्री स्लैश, नेगेटिव थ्री स्लैश, नेगेटिव वन स्लैश, वन फोर स्लैश, जीरो थ्री स्लैश, एंड अब ये सारे एजेस भी हमारे ओरिएंट हो गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जिसमें हमें कॉर्नर्स को परम्यूट करना है, तो यहाँ पे भी हमारे सामने पॉसिबल तीन सिचुएशंस आ सकती हैं कॉर्नर्स को परम्यूट करने से पहले, जैसे कि रूबिक्स क्यूब में आती हैं। तो या तो सारे कॉर्नर्स अपनी अपनी सही जगह लगे होंगे, जिसका मतलब ये ऑलरेडी परम्यूटेड हैं, सो दैट्स गुड, या फिर कोई भी कॉर्नर्स जो हैं वो अपनी सही जगह सही तरह से नहीं लगे होंगे, या फिर कोई दो कॉर्नर्स होंगे जो कि अपनी सही जगह लगे होंगे सही तरीके से, जस्ट लाइक अ हेडलाइट, ये एक हेडलाइट जैसे दिखेंगे। अब जब हेडलाइट हमें दिख जाती है तो हम उस हेडलाइट को लेफ्ट लेयर में रखते हैं, और बाय चांस अगर कोई भी कॉर्नर्स अपनी सही जगह नहीं लगे होते तो हम होल्डिंग पोजीशन का इतना ऐसा कोई ध्यान नहीं रखते, बस कोई से भी दो कॉर्नर्स को अपने फ्रंट में रखते हैं एंड एल्गोरिथम लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंस वी हैव हेडलाइट्स, तो हम इसको लेफ्ट लेयर में रखेंगे, साथ में ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट में ये छोटा वाला एच पी सी, मिडिल वाला ये हो। ठीक है, और अब ये एल्गोरिथम लगाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एल्गोरिथम कितना छोटा, एंड ये बहुत आसान एल्गोरिथम है, जब तक आप इस पूरी क्यूब को सॉल्व करेंगे ना तब तक ये एल्गोरिथम आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नर्स एंड एजेस को परम्यूट करने में हम सेम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो नाउ कीपिंग दिस हेडलाइट ऑन द लेफ्ट, लेट्स अप्लाई द एल्गोरिथम, इट्स स्लैश जीरो नेगेटिव थ्री स्लैश जीरो थ्री स्लैश जीरो नेगेटिव थ्री स्लैश जीरो थ्री एंड स्लैश, दैट्स इट। ये हमारे सारे कॉर्नर्स परम्यूट हो गए, बाई चांस सारे एजेस भी परम्यूट हो गए, बट आई विल टेल यू कि कैसे एजेस को परम्यूट करते हैं। खैर फिलहाल जब टॉप लेयर के कॉर्नर्स हमारे परम्यूट हो जाते हैं तो हम क्यूब को फ्लिप करते हैं ताकि हम अपने नीचे वाले लेयर के जो कॉर्नर्स हैं उन्हें भी परम्यूट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके सामने हेडलाइट आती है तो आप उसको बैक लेयर में रखते हैं, क्योंकि हमारा ये नीचे वाली लेयर ना बिगड़े इसका भी हमें ध्यान रखना है ना। बाय चांस अगर ये नहीं आई होती तो अगेन वी कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम एनी साइड, है ना, पर अभी हेडलाइट है तो हम पहले इसको बैक में रखेंगे। वी विल रिपीट द सेम एल्गोरिथम, और अब आप देख सकते हो कि ये बड़ा वाला ये वाला पीस है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में, सो इधर आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, और मे बी आई कैन इंश्योर कि मेरा ये छोटा वाला पीस यहाँ पे हो। ठीक है, इधर विच वेज, अब यहाँ से फिर से वही एल्गोरिथम, स्लैश नेगेटिव थ्री जीरो नेगेटिव थ्री एंड देन स्लैश जीरो थ्री स्लैश जीरो नेगेटिव थ्री स्लैश जीरो थ्री एंड स्लैश। अब आप देखेंगे कि ये हेडलाइट सामने आ गया है और नीचे वाली जो लेयर है ये बिगड़ गई है, पर ये अभी फिक्स हो जाएगी जब हम फिर से इसमें एक बार यही एल्गोरिथम लगाएंगे। अब हम ये जो हेडलाइट है इसको लेफ्ट में रखेंगे। ठीक है, अब सेम एल्गोरिथम को रिपीट करेंगे, स्लैश जीरो नेगेटिव थ्री स्लैश जीरो थ्री स्लैश जीरो नेगेटिव थ्री स्लैश जीरो थ्री एंड स्लैश। नाउ हमारे ये सारे कॉर्नर्स जो हैं ये परम्यूट हो गए। अब बाई चांस जब हमारे फर्स्ट लेयर के जो कॉर्नर्स हैं वो परम्यूट होने के बाद जब हम इसको फ्लिप करके लास्ट लेयर में आते हैं और हमारे सामने कोई हेडलाइट्स नहीं है, तो हम कोई से भी दो कॉर्नर्स को सामने रख के सेम एल्गोरिथम को रिपीट करेंगे, और फिर जब हमारे सामने हेडलाइट आ जाएगी तो हम उसको लेफ्ट में रख के वही चीज़ रिपीट करेंगे। ठीक है, एंड नाउ वी हैव ऑल द कॉर्नर्स ओरिएंटेड अगेन, सॉरी परम्यूटेड अगेन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा एजेस को परम्यूट करने का, ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप है, बस के बाद एक पैरिटी बचती है जो कि मैक्सिमम टाइम्स आती है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, पर फिलहाल के लिए
एजेस को परम्यूट करते टाइम हमारे सामने कुछ सिचुएशंस आती हैं जो कि मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगी। सो फिलहाल के लिए सबसे पहले आप टॉप लेयर में देखें कि आपकी कोई भी ऐसी एज है जो अपनी सही जगह लगी हुई है। यस, एक ही एज है। अब इस एज को आप लेफ्ट हैंड साइड में रख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको राइट एज देखना है। ये एज को या तो फ्रंट में आना होगा या फिर बैक में जाना होगा, ठीक है। तो अब इस एज को जहाँ पे भी जाना है, अब जैसे फिलहाल इसको ब्लू है तो इसको इधर जाना है, तो आप इस एज पीस को इस लेयर में लाइए जो कि इस राइट लेयर में, जो कि ऐसे मूव करते टाइम हमारे यहाँ पे हो, ठीक है। इट शुड बी देयर। बाई चांस अगर इस एज पीस को फ्रंट में आना होता तो हम इसको इधर रखते, सो दैट ये इस कॉन्टेक्ट में नहीं रहती इस लेयर के, और जहाँ पे इसको जाना है उस कॉन्टेक्ट में रहती। सो फिलहाल इसको बैक लेयर में जाना है तो हम बैक लेयर वाली एज को इस लेयर में रखेंगे और अब वही कॉर्नर परम्यूटेशन वाला एल्गोरिथम लगाएंगे, विच इज स्लैश 0 नेगेटिव 3 स्लैश 0 3 स्लैश 0 नेगेटिव 3 स्लैश 0 3 एंड स्लैश। अब आप देखिए ये सब गड़बड़ हो गया ना, ठीक है। इधर ये कॉर्नर पीस चला गया, इधर ये सब गड़बड़ हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए अब आपको ये वाला जो पीस है, अभी तक आपने पीछे वाली जगह जाना था ये राइट वाला पीस, तो आपने इसको इस लेयर के कॉन्टेक्ट में रखा जो हम मूव कर रहे थे। अब जो दूसरा पीस है उसको इस लेयर में रखिए। अब जब हम ये सेम एल्गोरिथम रिपीट करेंगे ना, तो हमारी सारी चीज़ें वापस से फिक्स हो जाएंगी एंड हमारी टॉप लेयर के एजेस जो हैं ये सारे परम्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब इन द सेम वे अगर ये राइट वाले जो एज पीस को फ्रंट में आना है, तो पहले हम इस एज पीस को इस लेयर के कॉन्टेक्ट में रखेंगे। नाउ वील अप्लाई द सेम एल्गोरिथम, ठीक है। और अब फिर से ये सब कॉर्नर्स वगैरह ये सब गड़बड़ होंगे, तो अब हम जो पीछे वाला एज है इसको इस लेयर में लेके आएंगे और अब सेम एल्गोरिथम को लगाएंगे, तो हमारे फिर से सारे एजेस ये वाले परम्यूट हो जाएंगे, ये सब सॉल्व हो गया। जब हमारे सामने ये सिचुएशन आती है कि ये पास पास वाले जो एजेस हैं इन्हें आपस में एक्सचेंज होना होता है, तो ये ब्लू को इधर जाना है, ऑरेंज को इधर आना है, इन द सेम वे ये रेड को इधर जाना है और ग्रीन को इधर आना है। इसके अलावा अगर आमने सामने वाले एजेस भी आपस में बदलने होते हैं, कि मान लीजिए रेड को ऑरेंज इधर जाना है, ऑरेंज को इधर आना है, ब्लू को इधर जाना है, ग्रीन को इधर आना है, तो हम इसी तरह से मतलब सेम एल्गोरिथम लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इस सिचुएशन में आप कोई सा भी एक एज पीस अपने फ्रंट में रखिए, ये मूविंग लेयर है, ठीक है। तो अभी पहले आपने इस एज को इस लेयर में रखा है एंड सेम एल्गोरिथम, ठीक है। अब इस वाले एज को साइड में हटाइए, दूसरा वाला एज मूविंग लेयर में रखिए एंड अब आप अपनी लास्ट सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे जिसमें एक एज पीस सॉल्व है। अब आप इसको लेफ्ट में रख के उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जैसे ये ऑरेंज है, इसको बैक लेयर में जाना है, तो अब आप बैक वाला एज पीस इस लेयर के मूविंग लेयर के कॉन्टेक्ट में रखिए एंड सेम एल्गोरिथम को रिपीट करिए। और अब ये जो बिगड़ा है इसको वापस सॉल्व करने के लिए ये एज पीस सामने लाइए और फिर सेम एल्गोरिथम को रिपीट करिए, तो ये आपके सारे एजेस सही तरह से परम्यूट हो जाएंगे, ठीक है। एक सिचुएशन ये आ सकती है जिनमें इन एजेस को एक साइकिल में जाना है, तो मतलब ये रेड को इधर जाना है, ग्रीन को इधर आना है, ऑरेंज को इधर आना है, ब्लू को इधर आना है, या फिर क्लॉकवाइज ऐसे जाना होता है। तो इस सिचुएशन में और एक जो अगली सिचुएशन में आपको दिखाऊंगी, उन दोनों सिचुएशन में हमें इसे सेम तरीके से सॉल्व करना होता है। सो लेट मी शो यू अनदर सिचुएशन। अब यहाँ पे ऑरेंज को इधर जाना है, रेड को इधर आना है, ग्रीन को इधर जाना है एंड ब्लू को इधर आना है। तो इधर कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, साइकिल नहीं है, आसपास वाले एजेस नहीं है, आमने सामने वाले एजेस नहीं है। तो इसमें और लास्ट सिचुएशन में जब साइकिल होती है, इन दोनों सिचुएशन में हमारा मोटिव होता है कि हम दो एजेस तो सॉल्व कर दें और दो एजेस जो अनसॉल्व रहेंगे उनको आसपास में यहाँ पे रखें, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में या लास्ट वाले में आपको राइट हैंड साइड वाला वही एज पीस देखना होता है, जैसे कि आपने बाकी सब में किया कि इसको बैक में जाना है या फ्रंट में आना है। तो जैसे ये ग्रीन है, इसको बैक में जाना है, मान लीजिए इधर लगा होता तो ऑरेंज को फ्रंट में आना होता। अब ये रेड इधर लगा है तो रेड को इधर जाना है, तो वी हैव टू इंश्योर कि हम ऐसा ही एक एज पीस रखें जो फ्रंट में या बैक में जाना हो। तो अब ये ब्लू है, ये भी फ्रंट या बैक में नहीं जाना, सो अगेन वी आर बैक टू ग्रीन। अब ग्रीन को बैक में जाना है, तो पहले हम बैक वाला एज पीस इस रोटेटिंग लेयर में रखेंगे एंड वही परम्यूटिंग वाला जो एल्गोरिथम है उसको लगाएंगे। अब एक बार इसको रोटेटिंग लेयर में रख के लगा लिया, अब ये वाला फ्रंट वाला एज इसमें रोटेटिंग लेयर में रख के सेम एल्गोरिथम को रिपीट करेंगे, तो वी विल रीच ऑन अ सिचुएशन जहाँ पे ये दो आमने सामने वाले एजेस जो हैं ये अनसॉल्व रहेंगे और दो आमने सामने वाले एजेस जो हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज़ अनदर सिचुएशन। अगर आपके सामने ये सिचुएशन आती है, तो अब यहाँ पे आपको इन दोनों एजेस को, एक को फ्रंट में एक को बैक लेयर में रख के सेम एल्गोरिथम को रिपीट करना है
तो जो हमारा मोटिव है ये आपस वाली एजेस को अनसॉल्व रखना वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हमने फ्रंट में रखा, सेम एल्गोरिदम को रिपीट करेंगे। अब बैक वाली एज को इस रोटेटिंग लेयर में रख के, अब देखिए अब ये जो आसपास वाले एजेस हैं ये दोनों अनसॉल्व्ड हैं, ये पास पास वाले दोनों एजेस सॉल्व्ड हैं। अब यहाँ पे ये एक पैरिटी आ गई है, ठीक है। अब जिस तरह से हम टॉप लेयर के एजेस को परम्यूट करते हैं उसी तरह से हम बॉटम लेयर के एजेस को परम्यूट करते हैं। तो अब एक बार क्यूब को फ्लिप करके अब यहाँ पे भी उसी तरह से करेंगे। अब ये ग्रीन वाला इधर जाना है, रेड वाला इधर आना है एंड ये दोनों आपस में स्वैप होने हैं। तो अभी सिचुएशन में फिर से राइट वाला एज देखना है, इसको बैक लेयर में जाना है। तो इसको यहाँ पे रख के वही एल्गोरिदम लगाएंगे और फ्रंट वाला एज इधर रखेंगे एंड सेम एल्गोरिदम को रिपीट करेंगे। सो इट्स डन। अब आप देख सकते हो ये एक एज सॉल्व हो गया, ये तीन बचे हैं। अब ब्लू वाले को बैक में जाना है तो फिर से वही एल्गोरिदम रिपीट करेंगे। अब इसको फ्रंट में रखेंगे एंड दिस इज डन। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, पर अभी ये हमारी पैरिटी है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इस पैरिटी का मतलब ये आपका ये जो बीच वाला पार्ट है ये ऐसे मुड़ा हुआ है और ये दो पास पास वाले एजेस जो हैं इनको ऐसे सॉल्व करना है, बाकी की पूरी आपकी क्यूब सॉल्व हो गई है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो आपको ये एल्गोरिदम लगा के इसको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले स्लैश है, सो वी विल जस्ट मूव दिस लेयर। नाउ नेगेटिव थ्री which is 1, 2, 3 and then 0. Then again slash, now 0, 3. So 1, 2, 3 slash, now again 0, -3. So 1, 2, 3 again slash, now 0, 3. So 1, 2, 3 slash, now 2. So 1, 2 and 0 slash, now 0, 2. So 1, 2 slash, now -2. So 1, 2 and 0 slash, now 4. So 1, 2, 3 and 4 0 slash, 0, -2 slash, 0, 2 slash, -1 and 4. So 1, 2, 3 and 4 slash, zero and then -3. So 1, 2, 3 and slash. That's it. ये हमारी क्यूब पूरी सॉल्व हो गई। अब पूरी क्यूब सॉल्व करने के बाद बाई चांस आपकी क्यूब की ये सिचुएशन है कि कोई एज पैरिटी नहीं है, सब कुछ सॉल्व हो गया है, पर फिर भी ये मिडिल वाला पीस जो है ये ठीक तरीके से नहीं लगा है, तो डोंट वरी, आपको इसके लिए कोई लंबा चौड़ा एल्गोरिदम याद नहीं करना है। बस ये जो साइड वाला पीस है इसको लेफ्ट में रखिए, जो बिगड़ा वाला है इसको राइट में रखिए, इस लेयर को एक बार मूव कीजिए, फिर टॉप लेयर को दो बार मूव कीजिए, फिर इस लेयर को एक बार मूव कीजिए, टॉप लेयर को दो बार मूव कीजिए, फिर इस लेयर को एक बार मूव करिए एंड टॉप लेयर को दो बार। दैट्स इट, क्यूब आपकी सॉल्व। एक लास्ट में ये छोटी सी पैरिटी आ सकती है कि मिडिल लेयर आपकी सॉल्व नहीं है, बाकी पूरी क्यूब आपकी सॉल्व है, मिडिल लेयर में ये जो कलर्स हैं ये मैच नहीं हो पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस एक ये एज पीस को, ये जो छोटा वाला है इसको लेफ्ट हैंड साइड में पकड़िए, राइट लेयर को इस तरह से मूव कीजिए, फिर टॉप लेयर एक बार पूरा मूव कर दीजिए एंड देन डाउन लेयर को एक बार पूरा मूव करके फिर वापस से इसको ऐसे मूव करके और अपने लेयर्स को अलाइन कर लीजिए। दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी या।